दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। किसकी कहानी है सिया? किसने रखा डायरेक्शन की दुनिया में पहला कदम? कब रिलीज होगी ये फिल्म? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, कल यानी 24 अगस्त को दर्द भरी चीखों के साथ एक ट्रेलर रिलीज हुआ। ये ट्रेलर था फिल्म सिया का। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं मसान। आंखों देखी और न्यूटन जैसे फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर मनीष मुंद्रा। दोस्तों, सिया उनकी बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म है। इस फिल्म का कुछ वक्त पहले ही टीजर और पोस्टर रिलीज हुआ था, जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। कल फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने पर लोग फिल्म की सीरियसनेस को समझ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर शेर को अपनी परछाई को देखकर कुएं में गिरने वाली कहानी से शुरू होता है। ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन से पता चलता है कि ये कहानी एक छोटे से गांव देवगंज की लड़की सिया की है, जिसका उसके समाज के कुछ पावरफुल कैरेक्टर मिलकर गैंग रेप करते हैं और इसके बाद भी उसे सताया जाता है। जब सिया उनके खिलाफ आवाज उठाती है तो वो लोग मिलकर उसका घर तक जला देते हैं, लेकिन सिया फिर भी हार नहीं मानती और जस्टिस के लिए पूरे सिस्टम से लड़ने का फैसला करती है। और इस लड़ाई में उसका साथ देते हैं महेंद्र, जो पेशे से वकील है। दोस्तों, आगे आपको बताते चलें कि इस फिल्म से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रख रहे प्रोड्यूसर मनीष मुंद्रा का कहना है कि सिया सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक आंदोलन है। सिया एक फ्लेक्सिबल कैरेक्टर है जिसमें पेशेंस बहुत है। ये फिल्म महिलाओं के खिलाफ होने वाली क्राइम से काफी रिलेट करती है। ऐसे वक्त में ये कहानी काफी इम्पोर्टेंट है, जब दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म इस मुद्दे को बढ़ावा देगी और लोग भी फिल्म का कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष को अब तक फिल्मों को प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता था। उनके फिल्म सोसाइटी के एक खास एज ग्रुप को काफी पसंद आती है। साथ ही उनके फिल्म न्यूटन को ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिल चुका है। दोस्तों, अगर बात करें इंडिया की, तो साल 2018 में सबसे ज्यादा रेप केसेस के आंकड़े सामने आए थे। और अगर साल 2018 से लेकर 2020 तक 3 सालों के रिकॉर्ड अगर देखा जाए, तो 93,434 रेप केसेस के रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम राजस्थान का है। वहीं बात करें अगर बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म की जिसने गैंग रेप जैसे सीरियस मुद्दे को उठाया था, तो वो थी साल 1993 की फिल्म दामिनी। इस फिल्म के मेन लीड में पूजा पांडे और विनीत सिंह नजर आएंगे। सिया का कैरेक्टर पूजा पांडे ने प्ले किया है और ट्रेलर को देखकर साफ लग रहा है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ फुल जस्टिस किया है। दोस्तों, सिया के बारे में बात करते हुए पूजा ने ये कहा कि एक एक्टर के तौर पर उनका कैरेक्टर सिया हर साइड को चैलेंज दे रहा है। ये फिल्म उनकी लाइफ लॉन्ग फिल्म होने वाली है। रेप विक्टिम ने काफी कुछ सहा है, मेरे लिए उनका दर्द अपने फेस पर दिखा पाना काफी मुश्किल रहा। मुझे उम्मीद है कि लोगों को सिया फिल्म की सीरियसनेस जरूर समझ आएगी। दोस्तों, सिया के वकील के किरदार में आप विनीत सिंह को देखेंगे और कल जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो ये दिन उनके लिए और भी खास हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि अपने बर्थडे पर ही अपने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर विनीत का ये कहना है कि इस दिन को मनाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। मैंने अपने करियर में हमेशा ही चैलेंजिंग और अलग टाइप की फिल्में की है और सिया उनमें से एक है। सिया सिर्फ एक फिल्म ही नहीं है बल्कि एक मूवमेंट है। इसके दर्द के पीछे उन सभी विक्टिम्स की आवाज है जो अपने साथ हुए इंसिडेंट से इमोशनली, फिजिकली और मेंटली हर दिन लड़ती है। ये फिल्म एक पावर पैक और हार्ट फिटिंग है जो ऑडियंस को अपनी तरफ जरूर अट्रैक्ट करेगी। आज की दुनिया के सबसे बड़े मुद्दे पर बनी इस फिल्म को मेकर्स ने 16 सितंबर 2022 को रिलीज करने का प्लान बनाया है। फिल्म का ट्रेलर देखकर लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं।
आज की ऑडियंस कुछ अलग ही देखना पसंद करती है। अब देखना ये होगा कि सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने के बाद ये फिल्म कैसा परफॉर्मेंस देती है। तो आप बताइए कि कैसा लगा आपको सिया का ये ट्रेलर, क्या फिल्म कर पाएगी जनता की उम्मीदों को पूरा। इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।